अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है, इससे रिलेटेड। इसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉल 2024 सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस सेशन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं पीएचडी में, मास्टर्स में और बैचलर्स में। इसके अलावा एप्लीकेशन डेडलाइन वगैरह क्या है और बाकी सारे डिटेल्स भी देखेंगे। सबसे पहले ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास पीएचडी के 3 साल वाले प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर जो है यहाँ पर जहाँ पर एम और एफ दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब मेल्स और फीमेल्स दोनों के हैं। ये जहाँ पर सिर्फ एम है वो मेल्स के लिए प्रोग्राम है और जहाँ पर सिर्फ एफ है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए प्रोग्राम है। तो यहाँ पर पीएचडी 3 साल वाले में अरेबिक लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, टीचर एजुकेशन है, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, बाकी सारे हैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, शरिया के अंदर इस्लामिक लॉ एंड ज्यूरिसप्रूडेंस है, लॉ है, उसूलुद्दीन इस्लामिक स्टडीज़ है। और इसमें स्पेशलाइजेशन होंगी तफसीर एंड क्रॉनिक साइंसेज, हदीस एंड साइंसेज, द स्टडी ऑफ रिलीजन्स, अकीदा एंड फिलासफी और दवा एंड इस्लामिक कल्चर। उसके बाद जो मास्टर्स के 2 साल वाले प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर अरेबिक लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स है, ट्रांसलेशनल स्टडीज़ है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इंग्लिश है, मैनेजमेंट साइंसेज है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंसेज है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री, बायो साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस्लामिक कमर्शियल लॉ है, सुलूदीन इस्लामिक स्टडीज़ के साथ है, जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन यहाँ पे 6 चीज़ों में है, तफसीर एंड क्रॉनिक स्टडीज़, हदीस एंड साइंसेज, द स्टडी ऑफ रिलीजन्स, अकीदा एंड फिलासफी, दवा एंड इस्लामिक कल्चर और सीरा एंड इस्लामिक हिस्ट्री। उसके बाद LLM है दो साल का, इस्लामिक कमर्शियल लॉ है मेल्स के लिए, कॉर्पोरेट लॉ है फीमेल्स के लिए और ह्यूमन राइट्स लॉ है मेल्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं यानी कि BS 4 साल वाले, उसमें अरेबिक है, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, एजुकेशन विद IT है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस है, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इंग्लिश है, पर्शियन है, उर्दू है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इसके बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, देन यहाँ पर हमारे पास एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन के साथ, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, IR, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसूलुद्दीन के अंदर यही जो 6 स्पेशलाइजेशन थी जो हमने ऊपर मास्टर्स में देखी थी यहाँ पर ये वाली भी है। उसके बाद BEd के अंदर BEd ऑनर्स एलिमेंट्री 4 साल का है, BEd 1.5 ईयर्स का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ और BEd 1.5 ईयर्स का एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद लेटरल एंट्री प्रोग्राम्स जो कि 5th सेमेस्टर होता है यानी कि जो BS 3rd ईयर के प्रोग्राम्स होते हैं 2 साल वाले, उसमें BS मैथ्स है, BS स्टैटिस्टिक्स है और BS फिजिक्स है। देन यहाँ पर हमारे पास MBA है 2 साल का, इवनिंग प्रोग्राम, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर BE टेक का प्रोग्राम है, इनके पास 4 स्पेशलाइजेशंस में इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सिविल और मैकेनिकल, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर फीमेल्स के लिए भी है, बाकी चारों मेल्स के लिए हैं। उसके बाद BBA 2 साल वाला भी है और 4 साल वाला भी है, LLB 5 ईयर्स का है, LLB ऑनर्स सिंपल और LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ के साथ। उसके बाद पोस्ट मैजिस्ट्रेरियल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसको हम PMDC कहते हैं, ये 1 साल का डिप्लोमा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें एप्लीकेशन डेडलाइन की तो मंडे जुलाई 15 से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको सबमिट कराना होगा, अगर तो आपने A levels किया हुआ है, दीनी असनाद हैं आपके पास या आप फॉरेन डिग्री होल्डर हैं तो आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा IBCC या फिर HEC की तरफ से एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग, यानी कि अगर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है उसके बाद। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो अवेटिंग रिजल्ट के साथ हैं यानी कि जिनका अभी तक सेकेंड ईयर के पेपर्स नहीं हुए या फिर रिजल्ट नहीं आया तो एलिजिबल हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, डिफरेंटली एबल जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर उनको भी एडमिशन होता है, कुछ रिजर्व सीट्स वगैरह होती हैं IU पॉलिसी की तरफ से। तो
वो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन टेस्ट जो है ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए यानी कि मास्टर्स पीएचडी के लिए, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर द एडमिशन टेस्ट या इंटरव्यू एज पर द शेड्यूल अवेलेबल ऑन आईओ वेबसाइट, यानी कि जब आप अप्लाई कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली ये 15 जुलाई के बाद ही अवेलेबल होगा कब आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा। इसके अलावा GRE और GAT का टेस्ट ऑल्सो एक्सेप्टेबल है फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जितने भी हैं बैचलर्स के 4 साल वाले 2 साल वाले उनके लिए कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट MBA का जो प्रोग्राम है और BSBA टेक्नोलॉजी के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें टेस्ट लिया जाएगा, बाकी सारे प्रोग्राम में कोई भी टेस्ट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एडमिशन ऑफिस मेल फीमेल दोनों के नंबर्स वगैरह लिखे हैं, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट दोनों की फैसिलिटी इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, यानी कि आपने इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना और सबमिट करना है। इनके एडमिशन पोर्टल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम प्रोग्राम्स जो फीस स्ट्रक्चर है उस वेब पेज का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिएगा।